बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2021 को दोपहर 1 बजे सड़क कामगार यूनियन के दफ्तर में सड़क ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एंड वीडियो जर्नलिस्टों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें पदाधिकारियों की घोषणा एवं आने वाले दिनों को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर अभिजीत राय ने सुप्रीमो सड़क कामगार यूनियन शैलेश पटेल पुष्कर ओझा सलामत अली मंसूरी शालिनी सिंह जितेंद्र पांडे तकवीर धीमन अखिलेश सिंह और तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि पत्रकारों पर आए दिन हमले होते रहते हैं और सुरक्षा की भावना पत्रकारों में देखने को मिलती है। यही कारण है जो सड़क ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एंड वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का आज गठन किया गया। मुख्य अतिथि अभिजीत राणे जी का क्या कुछ कहना था सड़क कामगार यूनियन एक प्रभावी कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक यूनियन है और मुंबई महाराष्ट्र और देश में लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व करने का मौका सड़क कामगार यूनियन को मिला है। आज सड़क ऑल इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का आज हम इसकी स्थापना कर रहे हैं। देश में टीवी चैनल्स के साथ साथ वेब चैनल वेबसाइट पर चलने वाले यूट्यूब पर चलने वाले बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनको आज बहुत तकलीफ रेगुलर लाइफस्टाइल्स में फेस करनी पड़ती है। उनको जो मान्यता मिलनी चाहिए जन मान्यता मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है और इसके लिए ये सभी जो वीडियो जर्नलिस्ट है जो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से अपनी पत्रकारिता को अंजाम देने का काम करते हैं ऐसे देश के भिन्न अलग अलग राज्यों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मुंबई से लगभग 100 से अधिक वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हैं। ये सब इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ये यूनियन को ऑर्गेनाइज करना एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज करने का काम शैलेश ने बहुत अच्छे से किया है और उसका खुद का एक चैनल है रफ्तार न्यूज़। ये पूरी टीम बहुत अच्छा काम करेगी रिपोर्टर जर्नलिस्ट के हित में काम करेगी ऐसा मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूँ और निश्चित तौर पर हम लोगों के सेवा में हैं जर्नलिस्ट के सेवा में हैं। मीडिया वीडियो जर्नलिज्म ऐसे बहुत यूनियंस है मगर मुझे लगता है ये एक प्रभावी संगठन रहेगा। आज पूरे देश में वेब चैनल्स पर काम करने वाले बहुत से वीडियो जर्नलिस्ट हैं जो ब्लॉग्स चलाते हैं छोटे छोटे न्यूज़ चलाते हैं और उनका प्रेजेंस भी नेशनल टीवी चैनल्स से ज़्यादा प्रेजेंस आज ये वेब चैनल्स का है। तो मैं सरकार को ये यूनियन के माध्यम से मांग करूँगा कि इनको भी राज्य मान्यता मिलनी चाहिए और इनको एक एक्रेडिशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट का एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और इसके लिए निश्चित तौर पर हमारा ये संगठन है ये सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। सर ये भी कहना चाहूँ कि आए दिन आजकल पत्रकार पे हमले हो रहे हैं पुलिस बिना वजह के अरेस्ट करती है उनको औलाद में डाल देती है क्या कहना चाहेंगे कितना ये सब असुरक्षा का माहौल है मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? निश्चित तौर पर सरकार अपना काम करती रहती है जब हम पत्रकारिता के माध्यम से जो समाज में अपप्रवृत्तियाँ हैं उनको उजागर करने का जब हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर एक पैरेलल गवर्नेंस हमेशा ये जो विद्रोही पत्रकार होते हैं उनके खिलाफ हमेशा ही लड़ाई लड़ी गई है और ये आज की बात नहीं है तो पुरातन काल से जब भी हम संघर्ष करते हैं जब पत्रकारिता
जब सत्य बाहर निकालते हैं तो निश्चित तौर पर संघर्ष होता है, और ये मुझे लगता है कि ये लड़ाई का एक भाग है और उसके लिए हमारा संगठन मजबूत है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में और भी कई संगठन है, तो ऐसे में ये संगठन कितना कारगर साबित होगा और इसे किस तरह से आगे की क्या रणनीति होने वाली है ताकि लोग और जो पत्रकार है वो इस संगठन के साथ जुड़ सके? नहीं, निश्चित तौर पर ये धड़क ऑल इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो स्थापना की है उसका जो मूल उद्देश्य है, जो वीडियो जर्नलिस्ट है जो आज अपने दम पर वेबसाइट के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से अपनी पत्रकारिता को अंजाम देते हैं, उनको एक जन मान्यता देना, उनको संगठित करना और उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी करना, ये हमारा मकसद है। सर, ये भी कहना चाहूँगी, कई सारे पत्रकार जो हैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते हैं, उनको काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जब संगठन बनता है तो ये सब चीज़ों का विचार होता है और निश्चित तौर पर हम जितना हो सके उतना प्रोटेक्शन, उनको इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्लान, लाइफ कवर, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम विचार करेंगे। तो पहल क्या होगी, शुरुआत में जो पहल होगी और आगे जो आपका विजन है, जो प्लानिंग है, उसको लेकर आज इसकी स्थापना हुई है। मुझे विश्वास है कि पत्रकार सब ज्ञानी होते हैं और उनके इंटरेस्ट उनको सेफगार्ड करना बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझता, हमारा काम बोलेगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।